हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल कैपरी की वेस्ट के ऊपर किस तरह से बेल्ट और इलास्टिक डालते हैं वो बताऊंगी। उसके लिए देखें कि मेरा कैपरी बिल्कुल सिंपल है, इसके आसन की लेंथ बिल्कुल बराबर है, यानी कि किसी साइड से भी ऊंचा या कम नहीं है जिस तरह के लेडीज़ पैंट में होता है। ये देखें, इस तरह से मेरा आसन बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसके ऊपर हम बेल्ट और इलास्टिक इस तरह अटैच करेंगे जिस तरह हम लेडीज़ पैंट या लेडीज़ ट्राउज़र पैंट के ऊपर डालते हैं, उसी तरह मैं इस पर डालूंगी। उसके लिए देखें, ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के टाइम पे ले लिया थे। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कैपरी की कटिंग का लिंक दे दूंगी ताकि आपको पता चल जाए हम कैपरी कटिंग कैसे करेंगे। उसके लिए ये देखें, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था फोल्डिंग के लिए, और ये हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है, इसलिए हम अपने बेल्ट की लंबाई लेंगे 14 इंच। ये देखें, मैंने पेपर पट्टी 14 इंच लंबी ली है, ये आप अपनी वेस्ट के हिसाब से लेंगे, और इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी फ्रंट साइड का जो बेल्ट है उसकी लंबाई 14 इंच और उसकी चौड़ाई 1.5 इंच ली है। अब ये देखें, जो दरमियान वाली आसन वाली सिलाई है उससे 7 इंच मैं एक साइड पे और 7 इंच ही दूसरी साइड पर ले लूँगी। इस तरह ये देखें, ये 14 पे इधर निशान लगाया, ये मेरे 7 इंच वाला निशान आसन की सिलाई के ऊपर है, और 1 इंच पर यहाँ पर लगा दी, यानी कि ये हमारा जो बेल्ट आएगा सामने पेपर पट्टी का उसका निशान है। और यहाँ से 2 इंच मैं गहराई में भी निशान लगा लूँगी, क्योंकि हम 2 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, इसलिए ये 2 इंच मैंने छोड़ दिया। अब इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे मैं बराबर रखते हुए ऐसे बिल्कुल इसे सीधा करूँगी, और अपने पेपर पट्टी को बराबर रखते हुए हम इसे चिपकाएँगे। देखें, इस तरह से मैं अपनी पेपर पट्टी रखूँगी कि जो हमारा यहाँ पर कट है उसके बराबर भी आए, और जो साइडों पे हमने 2 इंच की गहराई वाला निशान लगाया है उसके बराबर भी आए। अब मैं इसे अच्छी तरह चिपका लूँगी। मैं आपको फिर बता दूँ कि ये आप अपने साइज़ के हिसाब से इलास्टिक और वेस्ट लेंगे। ये मैंने अपने साइज़ के हिसाब से लिया है। ये देखें, मैंने इस तरह चिपकाने के बाद हम अपना इलास्टिक लेंगे। मैं आपको अपने इलास्टिक की लेंथ भी बता दूँ, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ जो होता है ना उसकी वेस्ट है। ये देखें, 18 इंच तकरीबन 18 साढ़े 18 इंच मैंने इलास्टिक ले लिया है। अब ये देखें, हम अपने इलास्टिक को इस तरह मैं 1/2 इंच पेपर पट्टी के ऊपर रखूँगी, और इसके ऊपर पिन लगा दूँगी। देखें, इस तरह से हम इसे पिन से अटैच करेंगे। ये मैंने पिन से अटैच कर लिया, और अब मैं इस इलास्टिक को इसके नीचे से इस तरह सीधा घुमा कर ले कर आऊँगी, और दूसरी साइड से ये देखें नीचे से हमारा बिल्कुल सीधा आएगा, और यहाँ पे रख के भी पिन लगा दूँगी। ये मैंने इस तरह घुमा के, वैसे भी मैं लगा सकती थी, लेकिन ये मैंने घुमा के आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले ये हमारा बिल्कुल सीधा इलास्टिक आना चाहिए, इलास्टिक में कोई सिलवट नहीं हो। अब हम ये देखें, इसे इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करेंगे यहाँ से भी। पहले मैं इसके पिन वाली जगह पर सीधी सिलाइयाँ लगाऊँगी, और फिर इसे फोल्ड करके हम सिलाइयाँ लगाएँगे। अब ये देखें, यहाँ से जहाँ मैंने निशान लगाए थे पेंसिल से, यहाँ से हम अब इलास्टिक पे सिलाई ले आए। अब मैंने अपने पिन को निकाल लिया, और इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद मैं अपनी सिलाई को वापस ले जाऊंगी। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली। अब मैंने दोनों साइडों पर सिलाई लगा ली। अब ये दरमियान वाली आसन वाली जगह से हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, और इस तरह अपनी पेपर पट्टी के ऊपर इस तरह रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई आपने पेपर पट्टी के ऊपर लगानी है, जिस तरह हम इलास्टिक की सिलाई लगाते हैं कि वो हम इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाते, खाली कपड़े पे लगाते हैं, लेकिन ये हमारा जो बेल्ट आएगा इसलिए पेपर पट्टी के ऊपर आपकी सिलाई होनी ज़रूरी है। देखें, इस तरह से मैं 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी, और आगे ये देख सकते हैं आप हमारा इलास्टिक स्टार्ट हो गया। अब मैं कपड़े को फिर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊँगी, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आने आए, क्योंकि बाद में आपको खींचने में मसला हो सकता है, आपकी सिलाई सिर्फ कपड़े पे आए। इसी तरह ये देखें, हम फुल अपनी सिलाई लगाएंगे, और आपने इस तरह साथ में इलास्टिक को इस तरह खींचना भी है, क्योंकि इस तरह आप खींचेंगे तभी आपका इलास्टिक फुल साइज में पूरा आएगा। अब ये देखें, साथ साथ मैंने इलास्टिक को खींच लिया, और साथ साथ हम नेफे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखें, ये फुल सिलाई मैं अपनी जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहाँ पे ख़त्म करूँगी, यानी कि हमारी बेल्ट वाली जगह पे। ये देखें, अब ये
जहाँ से मैंने सिलाई शुरू की थी वहाँ पे हमारी सिलाई आ गई बेल्ट वाली जगह पे। अब ये सिलाई को मैंने ख़त्म कर लिया। अब ये देखिए, ये फ्रंट साइड पे हमारा बेल्ट और बैक साइड पे इलास्टिक है। अब मैं ये देखिए अपने बेल्ट को इस तरह बराबर कर लूँगी। ये देखिए इस तरह हमारा बेल्ट बराबर आया है आसन वाली सिलाई से भी। और मैं अपने इलास्टिक को इस तरह खींच कर इसमें चुनट डाल लूँगी और अब मैं इसके दरम्यान में सिलाई लगाऊँगी। चले अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हमारी जो पहली सिलाई है उसके ऊपर ही मैं सिलाई ऐसे बिल्कुल एक सीधी लेके आऊँगी और अब इस सिलाई को मैं मोड़ कर हाफ़ में ले जाऊँगी और हाफ़ से अब ऐसे मैं सीधी सिलाई लगाऊँगी। ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप एक बिल्कुल सिंपल कैपरी की हमने कटिंग किया, लेकिन उसके ऊपर भी आप इस तरह बेल्ट और इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सिंपल कैपरी ही सिलाई करना है, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, लेकिन हमें ऊपर इलास्टिक इसी तरह चाहिए जिस तरह लेडीज़ पैंट का होता है। तो उसका ट्यूटोरियल भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखें ये कितना आसान है बनाने में। अब ये देखें इस तरह से ये हमारा बेल्ट और इलास्टिक दोनों अटैच होगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।